आत्मदर्शन निष्ठा निष्ठ कर्म राम चा कुर्वंत जीवा। कहते हैं कि निष्ठा निष्ठ और निष्ठ और अनिष्ठ गलत और अच्छे कर्मों को जब जीवात्मा ही शरीर को धारण करके अच्छे और बुरे कर्मों को करता है, कोई सज्जन लोग हैं वह सत्य भाषण ब्रह्मचर्य का पालन शुद्ध भोजन संध्या वंदन सुबह स्मरण प्रेम से बोलना ऊंच नीच का भेद न करना हिंसा को न करना अहिंसा में अपनी सज्जनता का परिचय देना सज्जनों को संगत करना दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना पर नारी को माता के समान समझना अपने से बड़ों की सेवा करना यह सज्जनों के द्वारा अपनाया जाने वाला रास्ता है। जो इसके विपरीत कर्म वाले जीव हैं वह मदपान तामसी भोजन आदि करते हैं। स्मृतियों में बताया गया है कि जैसा भोजन आहार में लाया जाता है वैसी मन और बुद्धि विचार करती है, चित्त दूसरी जगह जाकर रमण करने लगता है। इस सूत्र में निष्ठ और अनिष्ठ कर्मों का भेद बताया गया है कि जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही भाग्य विचार संस्कार वृत्ति बनकर सामने क्रिया कलाप में आती हैं। कर्मों का प्रभाव परिवार पर पड़ता है। जैसा कर्म पिता करता है, मान लीजिए वह मदपान करता है तो उसकी औलाद भी उसी कार्य को करती है। वह भी विचार करेगा कि जो हमारे पिताजी कर रहे हैं यह मुझे भी जानना चाहिए तथा उसी रास्ते पर चलता है। समाज पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। सूत्र में निष्ठ और अनिष्ठ कर्मों का ही प्रतिपादन किया गया है। लोक लोकेषु जीवात्मा कर्मणां गच्छन्ति। तीसरे सूत्र में गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि लोक लोकेश लोक लोकों में करणाम कर्मों से गुरुदेव भगवान ने तीसरे सूत्र में जीवात्मा कर्मों के आधार पर ही लोक लोकांतरों में जाता आता है। जो उपनिषद करके लोक की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं वह स्वर्ग आदि लोक में सुख का उपभोग करते हैं तथा पुण्य क्षीण होने पर फिर उन्हें नीच के लोकों में यानी कि जो पुण्य करते हैं उन्हें नीचे के लोकों में आना पड़ता है। जब ध्रुव ने कठिन तपस्या करके अटल स्थान को प्राप्त किया जिनके अंदर संस्कार गलत भरे हुए हैं वह कर्म भी अशुद्ध ही करते हैं और उन कर्मों से नीचे नार्गिक लोगों में जाकर उस भोग का पाते हैं तथा उन कर्मों का अंत होने पर अन्य लोकों में चले जाते हैं। इसी प्रकार जो सिद्धि पा लेते हैं वह स्वर्ग आदि लोकों में भी ऊपर जाकर के उसका उपभोग करते हैं। इसी प्रकार यश लोक वरुण गंधर्व स्वर्ग पितर सिद्ध ब्रह्मलोक आदि नाना प्रकार के लोकों में जीवात्मा कर्मों के अनुसार जाकर कर्मों का भोग भोगता हुआ योनियों को धारण करता है। इस सूत्र में जीवात्मा के इस लोक से दूसरे लोक की संगत का प्रतिपादन किया गया है।